गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो जिया रहती है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैंटीन में हो रहा रहता है, और रश्मि जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर दिख रही रहती है। जिया उसे देखते देखते कहीं खो जाती है, और जब रश्मि उसके पास आकर बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तब जिया कहती है हाँ। अब उसके आगे जिया उससे पूछती है कि आप इतनी सुंदर और इतनी कातिलाना क्यों दिख रही हैं, शायद आपको याद हो तो बर्थडे मेरा है। तभी रश्मि कहती बर्थडे आपका है लेकिन गिफ्ट तो मैं हूँ ना आपकी, और अगर आपका गिफ्ट अच्छे से सुंदर तरीके से नहीं दिखेगा तो आपको उसे अनरैप करने में मज़ा कैसे आएगा। रश्मि की ये बातें सुनकर जिया स्माइल करने लगती है, और स्माइल करके बोलती है अनरैप, तो कहती हाँ नहीं करना है क्या। तभी जिया कहती करना है ना, ज़रूर करना है, किसने कहा कि मैं अनरैप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ। तभी रश्मि कहती है हाँ होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है, आपको रात के 12 बजे कॉल नहीं किया, विश नहीं किया, राइट? तो कहती है हाँ आपको करना चाहिए था, और बहुत गलत किया आपने, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो रश्मि कहती है हाँ चलेगा, क्योंकि आपकी दी हुई पनिशमेंट भी तो प्लेजर से कम नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है, रश्मि इस तरीके से बोलती है। तभी जिया कहती है अरे मैं सच्ची में पनिशमेंट देने वाली हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो रश्मि कहती ठीक है फिर गिफ्ट तो अनरैप करने को भी नहीं मिलेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, मुझे आपकी पनिशमेंट मंजूर है। और ऐसे कह के जो रश्मि है वहाँ से जाने लगती है, तभी जिया एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है हाँ हाँ पनिशमेंट दूंगी, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, आज तो मैं गिफ्ट अनरैप करूँगी ना, और कल मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। तो रिद्धि कहती रश्मि कहती नो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर गलती करिए तो पनिशमेंट इमिजिएटली देनी चाहिए, ये कौन सी बात हो गई कि आज ही गलती की पनिशमेंट आप दूसरे के दूसरे दिन दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने पनिशमेंट कह दी है मैंने मान ली और अब मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय टेक केयर, ऐसे करके जा रही रहती है। तभी जो जिया रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है रश्मि को और कहती है अरे हद नहीं कर रहे हो आप, ऐसे मत करो, अच्छा क्या प्लान्स हैं। तो वो कहती प्लान्स तो बहुत सारे, बट यू नो मैं पनिशमेंट में हूँ तो कुछ प्लान्स नहीं रहेंगे। अच्छा सॉरी ना, नहीं पनिशमेंट दे रही हूँ, चलो अभी चलो। तो कहती है ठीक है। थोड़ी देर तक ये लोग आपस में एक कोने पे बहुत एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, हाथ वाथ पकड़ रहे थे। ये ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता है, क्योंकि गर्ल्स अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, थोड़ी मस्ती मजाक करती है, हक करती है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रियलिटी है। बट अगर एक बॉय और गर्ल एक दूसरे के साथ ऐसे मस्ती मजाक करे तो सबको लगता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। वैसे तो चल तो रश्मि और जिया के बीच में भी बहुत कुछ रहा था, पर फ़र्क नहीं पड़ता ना। कैंटीन में ऐसी मस्ती करने के बाद वहाँ जाके सबको जो जिया है वो बाय कहती है, और बोलती है कि मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जितना स्टूडेंट ने बहुत कुछ किया है आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने समझा भी नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दोगे, सो दैट वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट एंड आई फीलिंग लाइक राइट नाउ आई एम बस फीलिंग लाइक आई एम द हेवन, सो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो बहुत अच्छे से सबको बाय करती है। तभी वो रिद्धि के पास पर्सनली जाती है जिया, और रिद्धि से कहती है तुझे पता था क्या मेरे लिए कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, रश्मि से तो तू बहुत ज़्यादा क्लोज है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी रिद्धि आती है उसके पास, बोलती है मैंने कहा था टाइम का इंतज़ार करो, सब्र करो, वक्त सारे सवालों के जवाब देगा, आप मिल तो रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, शायद आप नहीं हो बट मैंने तो हिंट दे दिया था। तभी जिया कहती अरे मुझे मिल गया था बट सरप्राइज इतना ब्यूटीफुल होगा ये नहीं सोचा था। तो रिद्धि कहती है हाँ अभी तो बहुत कुछ बचा है, आप जाइए इंजॉय करिए, ऐसे कह के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो रश्मि है वो रिद्धि जिया को
आज पता नहीं क्या हो रहा है, रिद्धि रिद्धि बार बार निकल रहा है, सो प्लीज़ अपोलोजाइज कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। रश्मि इस बार अपनी स्कूटी वगैरह कुछ ना लेकर आके अपने घर से कार लेकर आती है। रश्मि के पास ऑलरेडी कार थी, एज अ फैमिली में तो थी, वो कभी यूज़ नहीं करती थी, पर वो जब जिया के लिए आती है तो वो एक बहुत प्यार से कार में आती है, कार का फ्रंट डोर खोलती है, जिया को बिठाती है। जिया उसका ये लुक देखकर पागल हो चुकी रहती है, क्योंकि कभी रश्मि ने उसके साथ वैसे बिहेव नहीं किया, और वो बहुत अच्छे से गाड़ी में बैठती है और ड्राइव कर रही रहती है। तभी जिया बोलती है, आज स्कूटी छोड़ के ये कार कैसे? तभी रश्मि कहती है, स्कूटी में तो हर बार घुमाया है ना, वो तो नॉर्मल डेज की तरह होता है, बट आज स्पेशल है, आज आपका बर्थडे है तो कुछ स्पेशल ही होना चाहिए, आपको स्पेशल चीज़ें पसंद नहीं है क्या? तभी जिया कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद है स्पेशल चीज़ें, आई लव टू बी स्पेशल। तो वो कहती है, बस तो फिर देखते रहिए। रश्मि बहुत प्यार से गाड़ी चला रही रहती है, एकदम स्मूथ ड्राइविंग हो रही रहती है, इतनी स्मूथ ड्राइविंग करके वो आराम से रोड से जाते हैं। जिया की आंखें एक पल भी रश्मि से दूर नहीं हो रही थी, जिस तरीके से वो उसे देख रही थी, वो देखने का अलग ही अंदाज था, वो एक पल भी मतलब ऐसा हो रहा था ना कि वो छोड़ना नहीं चाहती है। आखिर वो तो एक्साइटेड थी अनरैप ऑफ द गिफ्ट, लेकिन अभी तो सरप्राइजेस बाकी थे। थोड़ी देर में जो कार जाती है एक बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर पहले ही रश्मि ने जाकर बुकिंग कर चुकी थी, हर एक चीज़ अरेंजमेंट्स अपने हिसाब से कराए थे, वो वहीं पर रोकती है। जैसे ही वो गेट रुकता है, वहाँ से एक कॉरिडोर से जाना हुआ रहता है, तो जब वो कॉरिडोर से वहाँ से जा रही रहती है तो वहाँ पर रोज़ के पेटल्स पूरे डाले हुए रहते हैं, आजू बाजू जो फ्लावर्स से डेकोरेशंस किया रहता है, और इतना ब्यूटीफुल वो नज़ारा दिख रहा रहता है कि देखने लायक रहता है। जिया ये लुक देखते हुए बहुत शॉक्ड होती है, ये इवनिंग का टाइम रहता है, आई मीन्स आफ्टरनून्स का टाइम रहता है, तो यहाँ पर उस समय रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो जिस तरीके से उसे सेलिब्रेशन करना रहता है जिया के लिए, अपने प्यार का इजहार करना है, सबके सामने भी करना है और कोई देखे भी नहीं, ऐसा करना था, तो इसलिए रश्मि ने ये टाइम चुना रहता है, वरना ज़्यादातर सेलिब्रेशंस नाइट में ही होते हैं, पर उसने जान मुझ के आफ्टरनून का टाइम चुना रहता है, करीब 3 से 4 बजे का टाइम रहता है ये, और उसने यही चुना रहता है। जब वो वहाँ जाती है, पूरे डेकोरेशंस होते हैं, क्योंकि ये जो डेकोरेशंस होता है ये विदाउट लाइटिंग डेकोरेशंस होता है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, वैसे ही उजाला बहुत है, लाइटिंग्स की ज़रूरत नहीं रहती है, पर जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। जिया ये देखते ही देखते शॉक्ड हो जाती है, और वो बहुत टाइम तक रश्मि की तरफ देख ही रही रहती है और कहती है, इट्स टू ब्यूटीफुल बेबी, इट्स टू ब्यूटीफुल, आई नेवर इमेजिन कि समवन डू दिस टू मी, यू नो व्हाट, दिस इज़ माय फेवरेट रेड रोज़, और मुझे इतना पसंद है कि आपको बता नहीं सकती हूँ, आपने हर एक चीज़ करी, एंड दिस इज़ ऑल आर पिक्स ना, कि जहाँ पर हम शिमला घूमने गए थे, हमने बहुत सारे मस्ती मजाक करी, ये कितने प्यार से आपने कोलाज बनाया है, दैट वॉज सो अमेजिंग, आई लव दिस कोलाज, मुझे बहुत पसंद आया है, बेबी इट्स टू क्यूट, आई लव इट। जिया ऐसे एक्साइटमेंट में बोले जा रही रहती है, तो रश्मि उसके पीछे ही खड़े होकर उसकी सिर्फ एक्साइटमेंट और वो सब चीज़ों को नोटिस कर रही रहती है। थोड़ा आगे जाते से ही वहाँ पर एक आगे जाते से इतना बड़ा टेबल रहता है, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल केक रहता है, जो रेड वेलवेट केक रहता है, और जो जिया का सबसे फेवरेट केक होता है, रेड वेलवेट केक होता है, उसमें लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे माय लव, और वो केक को वो जब देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। केक कटिंग करते हैं वहाँ पर, और उस जो पूरे एरिया में सिर्फ 2 लोग ही वहाँ पर रहते हैं, रश्मि और जिया,
बाकी और कुछ नहीं रहता है। पूरे तरीके से उसने वो बुक वो एरिया सिर्फ और सिर्फ जिया के लिए किया रहता है। वहाँ पर केक कटिंग होती है, दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और बहुत रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर वो म्यूज़िक लगाती है और वो लोग एक कपल डांस बहुत ब्यूटीफुली वे में कपल डांस कर रहे रहते हैं। कपल डांस करते करते जिया से रहा नहीं जाता है और वो रश्मि को किस करने लगती है, और रश्मि भी उस टाइम उसे भी कंट्रोल नहीं रहता है क्योंकि वो कब से इंतज़ार कर रही थी कि ये जो मोमेंट हो और वो बहुत नेचुरली वे में होना चाहिए। तो आराम से दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक, करीब 10 से 15 मिनट तक तो वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ किस ही कर रहे रहते हैं। किस डीपर, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, बहुत प्यार से किस करते करते, म्यूजिक सुनते सुनते बस वहीं पर मोमेंट को घूम खेलते हैं, मतलब डांस करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो जिया है वो थोड़ा दूर होती है, क्योंकि इतना किस करोगे तो आपको थोड़ा सा सांस लेना ही पड़ेगा, थोड़ा दूर होती है। तभी रश्मि से कहती है, बेबी सरप्राइज इज स्टार्टेड नाउ, तो अभी आप इंतज़ार करो। इंतज़ार करने के बाद तो वहाँ पर वो उसे चेयर पे बिठाती है और एक बहुत प्यारा सा अपने बैग से गिफ्ट निकालती है, और वो जो वो गिफ्ट वो अनरैप करती है तो उस गिफ्ट में लॉकेट्स रहते हैं, वो जो लॉकेट वो लेकर आई हुई रहती है जिसमें रश्मि और जिया का नाम लिखा रहता है, और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर लॉकेट पहनाते हैं। लॉकेट पहनाने के बाद जो जिया रहती है वो फटाक से उठ के फिर रश्मि को किस करना स्टार्ट कर देती है। रश्मि भी रोक नहीं पाती है क्योंकि मोमेंट ही ऐसा रहता है कि एक दूसरे पे कंट्रोल तो खोना बनता है, और दोनों एक दूसरे को फिर किस करते। थोड़ी देर के बाद रश्मि बोलती है, वेट वेट बेबी वेट, और फिर से वो अपने बैग से एक निकालती है और अपने नीस पे बैठती है और हाथ में रिंग लेकर उसकी तरफ देखकर बोलती है, बेबी वुड यू मैरी मी। जिया पहले शॉक्ड हो जाती है कि वो लव यू भी नहीं बोला, उसने डायरेक्ट प्रपोज किया है शादी के लिए। तो जिया की हार्ट बीट रश्मि की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है। उसे डर लग रहा रहता है कि जिया वो शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं, और क्या उसका और रिलेशनशिप यहीं एंड हो जाएगा या कुछ फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में 100 सवाल घूम रहे थे। एक तरफ से वो प्रेशर में अपनी फैमिली की वजह से भी थी, और यही रीज़न था कि उसे ये सारे थॉट फॉर्म्स आना स्टार्ट हो चुके थे। जिया जो रहती है वो वहाँ शॉक्ड होती है और अंदर ही अंदर अपनी हैप्पीनेस अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रही रहती है, और फिर एकदम से वो आती है और वो रिंग को अपनी जो रिंग फिंगर होती है उसमें डालती है और कहती है, यस यस आई एम डाइंग टू मैरी यू, बोलो कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तुम अभी बोलोगी तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। बीबी आई लव यू, आई कांट इवन कंट्रोल माई सेल्फ राइट नाउ, बोलो कब करनी है शादी, अभी करेंगे। जिया का ये एक्साइटमेंट देख के रश्मि को शांति मिलती है, उसकी हार्ट बीट कंट्रोल होती है और वो कहती है, बीबी मुझे लगा तुम हाँ बोलोगी भी कि नहीं, क्योंकि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी तुम्हें शादी के लिए बोलने के लिए। तभी जिया बोलती, डफर माई क्यूट डफर, सुनो कोई जल्दी नहीं हुई है, हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, बस हम इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि अपनी फीलिंग्स को समझने में हमने बहुत टाइम निकाल दिया, और ये तो टाइम ही है शादी करने का, तो ऑफकोर्स मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम आज बोलो कल बोलो हम अभी करेंगे, पक्का ना, रश्मि कहती है। तभी जिया कहती है, बीबी यहाँ क्या गेम चल रहा है, पक्का कच्चा वाला, तो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू मैरी यू, हाँ हाँ थोड़ी सी तुम झल्ली हो बट तुम्हें झेल लूँगी मैं, लाइफ टाइम तक तो झेलना ही पड़ेगा ना, बट हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या वाला किस्सा है ना। रश्मि की आंखों में से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि वो क्या फील कर रही रहती है, वो ही जानती है क्योंकि उसका डर उसकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी रहती है, तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। तभी रश्मि एकदम से बोलती है,
तभी रश्मि की आंखों में से जब आंसू इतने गिर रहे रहते हैं तो जिया एकदम से बोलती है, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग? यार मैं इतना गंदा सिंग करती हूँ, आई मीन आई नो मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है, बट इतनी भी बुरी नहीं है यार कि आप ऐसे रोने लग जाओगे। तो कहती है मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ, रश्मि कहती है। तभी जिया कहती है तो कहती है मुझे खुशी हो रही है, तो खुशी खुशी के आंसू है ये, आप ये कहना चाह रही हैं? तो रश्मि कहती है हाँ मेरे खुशी के आंसू हैं ये। तो जिया कहती है ये बीमारी तुम्हें कब से लग गई कि तुम्हें खुशी के टाइम पे आंसू आने लग गए? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, तो ये जो बहाने हैं ना मेरे सामने मत दिखाओ कि ये तुम्हारे खुशी के आंसू हैं। क्या इतने दिन से छुपा रही थी तुम? और बर्थडे सेलिब्रेशन ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आई नो एवरीथिंग, बट अब आप मुझे अपनी नेचुरल चीज़ें बताएंगी कि आपके माइंड में क्या था? करीब 2 हफ्ते से आप स्ट्रेस में थी, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, इसी बात का डर था क्या कि मैं शादी के लिए हाँ करूँगी कि नहीं? क्या यही सोच सोच के आप मर रही थी? इतने दिनों से आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रही हूँ? तभी रश्मि कहती नहीं नहीं बीबी ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ मैं 2 हफ्ते से स्ट्रेस में थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, पर उसकी वजह आप नहीं थे। हाँ मुझे डर था कि पता नहीं मेरी आपसे शादी हो पाएगी कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, बट स्ट्रेस का रीज़न आप नहीं थे। तभी जिया कहती है तो फिर क्या रीज़न था अब आप बताओगे मुझे? तो कहती है छोड़ो ना, आज का दिन बहुत स्पेशल है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, अभी तो आपका फेवरेट खाना भी बचा हुआ है, आपके इटालियन फूड्स। तभी वो कहती है वो तो मैं खा लूँगी इटालियन फूड, पर उसके साथ तो मैं आपको भी खाऊँगी, याद रखिएगा। तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने यहाँ पे होटल रूम भी बुक किया है। ओह तो आपको पता था ये होगा? तो रश्मि कहती है हाँ, जिस तरीके से आपकी हरकतें हैं ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझे ऐसे टाइम पे अकेला छोड़ दोगे? ना बाबा ना, इतना तो हम भी आपको जानते हैं। तो रश्मि कहती है तो आप ये भी जानते होंगे कि अभी फ़िलहाल मैं रीज़न जानना चाहती हूँ कि आप स्ट्रेस में क्यों थे, क्योंकि रोमांस तो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, बट मेरी जान रोमांस से ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है, आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था। रश्मि बहुत ज़्यादा सोचती है कि बताऊं कि नहीं बताऊं कि नहीं, पर वो कहती है कि रिद्धि ने भी कहा था अगर अपने पार्टनर को नहीं बताया, कम्युनिकेट नहीं किया तो कैसे समझ में आएगा उसे, और अगर नहीं बताओगे तो सिचुएशन को कैसे समझेगी? तभी वो रिद्धि की बात को ध्यान से रखती है और जिया को हाथ पकड़ के वहाँ पर एक टेबल रहती है, वहाँ मतलब सॉरी टेबल के पास चेयर्स रहती है, वहाँ दोनों बैठते हैं और वो उसका हाथ को बस अपने हाथों में टाई करी हुई रहती है और कहती है बेबी मेरे घर में ना शादी की बात चल रही है, ओ माय गॉड, और आप मुझे अब बता रही हैं? जिया कहती है, तभी कहती है हाँ क्योंकि मैं आपको स्ट्रेस में नहीं देना चाहती थी, और चीज़ें ऐसी है मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है और मुझे वो शादी नहीं करनी है, मुझे आपसे शादी करनी है बिकॉज़ आई लव यू। सो पहले मैं ये श्योर होना चाहती थी कि मैं आपसे शादी के लिए पूछूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जिस तरीके से हमारी एज बढ़े जा रही है मेरे घर वाले वरेड है, वी आर 25 26 अराउंड राइट नाउ, तो प्लीज़ यार मतलब मैं शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरी फैमिली ना मेरे पीछे पड़ चुकी है और उनका बस चले तो वो मेरी कल ही शादी करा दे, इस चीज़ का स्ट्रेस था मुझे, तो वो ही चल रहा था मेरे माइंड में। मुझे आप पे भरोसा है और मुझे पता था कि मैं आपको बताऊंगी तो हो जाएगा, बट मैं सिर्फ आपके बर्थडे तक का वेट कर रही थी कि राइट और सही मोमेंट में मैं आपको प्रपोज करूँ शादी के लिए। जब रश्मि ये सारी बातें जिया को बता रही रहती है वो बहुत घबराई हुई डरी हुई सहमी सी वॉइस में कह रही रहती है, तो जिया अपना हाथ हटाती है तो रश्मि को लगता है अरे ये गुस्से में आ गई है,
तो वो कहती है, अरे बेबी बेबी प्लीज़ मेरी बात समझो ना, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं किसी से नहीं करूँगी, आप मेरी बात तो समझो यार, मैं सीरियसली आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ऐसे मत समझो यार, मुझे ना अच्छा नहीं लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ये बात मैंने आपसे हाइड करी है, हाइड नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि मैं खुद टैकल कर लूँगी सिचुएशन। तभी रश्मि कंटिन्यूसली बोले जा रही रहती है और जिया उसे लिप किस कर देती है, जिया उसे लिप पे लिप किस करे जा रही रहती है और उसे रिलैक्स करती है। जब वो 5 या 6 मिनट के बाद रिलैक्स होती है तब वो उसे कहती है, ओके इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, इतना पैनिक क्यों हो रही हो, कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गई हो तुम, और तुम्हें अगर शादी के मंडप में अगर किसी के साथ भी तुम बैठ जाओ और मैं देखती रहूँ ऐसा होगा क्या, तुम्हें शादी के मंडप से ना उठा लूँ मैं, हाँ नहीं तो कुछ भी सोच के रखा है, मेरी हो ऑफकोर्स मेरी रहोगी, तुम बताओ या ना बताओ मुझे स्ट्रेस का तुम्हारा लेवल पता चल गया था। बट रिद्धि ने मुझे हमेशा से कहा था कि किसी को फोर्स नहीं करते, जब वो वक्त आएगा वो खुद बता देगी, इसलिए मैं चुप थी। और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है, अब इतना टेंशन मत लो। अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं घर पे ये बात बता दूंगी अपने, मान जाएंगे सब लोग, रश्मि पूछती है। तभी जिया कहती है, मानना तो चाहिए पर देखते हैं ना सिचुएशन जो भी हो, अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। मैंने कभी मॉम डैड से इस टॉपिक पे बात नहीं करी है, मुझे तो उनकी मेंटालिटी ये सब इस बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, हो सकता है उन्हें LGBT कम्युनिटी के बारे में पता हो या हो सकता है नहीं पता हो, बात करके पता चलेगा ना। जिया का जो एटीट्यूड रहता है वो बहुत कूल रहता है, तो कहती बात करके पता चलेगा। तभी रश्मि डरी हुई सी और सैमी बोलती, अगर उन्होंने मना कर दिया तब आप क्या करोगे। तभी जिया कहती है, मेरी जान मोहब्बत की है, मजाक नहीं है, जो वो माने या ना माने और मैं आपको छोड़ दूँ, थोड़ा समय लगेगा मना लेंगे, इतना डर क्यों रही हो, कितना होगा, 6 महीने मुझसे बात नहीं करेंगे, 7 महीने मुझसे बात नहीं करेंगे, चलो 1 साल मुझसे बात नहीं करेंगे, 1 साल के बाद मान जाएंगे, सब हो जाएगा मैनेज, पर अभी आप ये स्ट्रेस वाला लुक मुझे मत दीजिए, क्योंकि मुझे आप स्ट्रेस में अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है, पहले हम खाना खाएं, और क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। तभी रश्मि पूछे, तो कैंटीन में खाया क्यों नहीं आपने, तो कहती तुम्हें देखकर मेरी भूख मर गई थी जैसे तुम सामने आई, और फिर तुम्हें खाने की इतनी इच्छा है ना मेरी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तभी रश्मि कहती है, वो तो आपकी कभी इच्छा कभी ख़त्म होती ही नहीं है, चाहे मैं नॉर्मल ड्रेस में हूँ या चाहे मैं अच्छे से ड्रेसअप करूँ, हर चीज़ में आपको मुझे खाना ही है। तो कहती है, ऑफकोर्स, और आज जो आप ये प्यार ऐसा स्लीवलेस और ये जो शॉर्ट कुर्ती पहनकर आए हो, मतलब सूट में भी शॉर्ट कुर्ती और स्लीवलेस और ये जो एक छोटा सा पतला सा दुपट्टा, हाय मेरी तो जान ले रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जब मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट हो सामने हो तो मुझे और किसी की भूख लग सकती है क्या। तभी रश्मि कहती, और किसी की भूख, व्हाट डू यू मीन बाय, मेरा कहने का था खाने की भूख, ठीक है, वरना मेरे अलावा तुम्हारी और किसी की भी भूख है क्या। तभी जिया कहती है, अरे हाँ मतलब खाने की भूख, और कोई कह दिया मतलब था यही मतलब मेरा यार, कि खाने की भी भूख ना लगे, वेल खा ले क्योंकि मुझे ना एनर्जी भी चाहिए। तो थोड़ी देर होती है, फिर वो जो वहाँ का जो वेटर होता है उन्हें वो ऑर्डर देती है कि खाना पीना अरेंज करिए, पूरा खाना पीना अरेंज होता है, ये लोग खाते हैं, एक रेड वाइन रहती है जो दोनों को बहुत पसंद रहती है, रेड वाइन के साथ दोनों खाते हैं, इटालियन फूड रहता है, पास्ता रहता है, बहुत सारी और डिशेस रहती है, सब खाते हैं, एकदम इंजॉय करते हैं। और खाने पीने के बाद वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बोलता है, मैम आपका हो गया है क्या, क्योंकि आपका रूम बुक्ड है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे कीस चाहिए, फिर वो वहाँ पर जाते हैं और वो की लेती है। जैसे ही वो रूम पर जाते हैं और डोर ओपन होता है, तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ सेलिब्रेशन नीचे तक का था, रूम में जैसे जाते तो वो जैसे ओपन करती है अपना गेट तो वहाँ से फ्लावर्स उसके पूरे के पूरे जो बॉडी पे गिरते हैं, क्योंकि डोर ओपन होता है तो फ्लावर्स की शावर होने लगती है एकदम से।
तो जिया देख के इम्प्रेस्ड होती है कि यार मतलब जो रश्मि कॉलेज टाइम पे अनरोमांटिक थी, जिसे कुछ लेना देना नहीं था, वो आज अपने पार्टनर के लिए इतनी रोमांटिक भी हो सकती है। थोड़े टाइम तक ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाते तो वहाँ पर बहुत प्यारे से लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे माय लव, एक पूरा हाँ मतलब जो डेकोरेट वे में लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे माय लव, और थोड़े थोड़े से जो बैलून्स रहते हैं, ज़्यादा डेकोरेट वो नहीं करवाती है क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि दे आर द कपल्स और समथिंग, तो वो बस इतना ही डेकोरेट कराती है। अंदर जाते हैं, थोड़ा सा होता है, बहुत प्यारा रूम होता है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे से दिख रहे रहते हैं। जैसी जो जिया रहती है वो बालकनी की तरफ जाती है, वहाँ से व्यू देखती रहती है, तभी जो रश्मि है डोर लॉक करती है और उसके पीछे आती है और उसे बैक हक करती है। जैसी वो उसे बैक हक करके ऐसी बस थोड़ी देर तक सुकून से वो उसे हक करी हुई रहती है। जिया को भी उसका वो हक करना बहुत अच्छा लग रहा था। जिया टर्न होती है और टर्न होके उसे बोलती है बेबी, तो वो कहती है हाँ, डू समथिंग वाइल्ड, तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड, तो कहती है आई विल शो यू राइट नाउ, तो रश्मि कहती है हाँ बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो कहती है डरना भी तो चाहिए, और वो उसे थोड़ा सा धक्का देती है और ये जो बालकनी की जो कर्टन्स होते हैं वो उसे पूरा लॉक करती है, पूरा जो रूम होता है उसे डार्क कर देती है, डार्क रूम मीन्स लाइट्स वगैरह सब ऑफ करती है, और एकदम से रश्मि को धक्का देती है बेड के ऊपर और उसके ऊपर चढ़ के उसे बहुत वाइल्डली किस कर रही रहती है। उसका वो जो किस था वो इतना ज़्यादा वाइल्ड था कि आप पूछो मत, कि हालत ख़राब हो जाती है रश्मि की। रश्मि अपना हाथ पूरी बेडशीट पे बहुत टाइटली पकड़ी रहती है। थोड़ी देर में जो जिया है वो उसके लिप पे किस करते करते उसकी नेक पे किस कर रही रहती है, उसकी चीक्स पे किस कर रही रहती है, उसकी चिन पे किस कर रही रहती है, फिर उसके बाल बालों को एकदम हाथ से हिला रही रहती है, कान की जो इयररिंग्स है वो पूरे निकाल के वहाँ पर पटक देती है और कान को बाइट कर रही रहती है। ये तरीका जो उसके लव करने का था, ये बहुत अलग तरीका था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से भी प्यार कर सकती है। और जो उसका स्लीवलेस टॉप था विथ अ वेरी फाइन स्ट्रिप के साथ, वो स्ट्रिप को हटा हटा के वहाँ पे किस कर रही थी, एक एक जहाँ वो उसे किस करे जा रही थी वहाँ वहाँ वो उसे बाइट भी करे जा रही थी। रश्मि भी अपना कंट्रोल खो चुकी रहती है और मतलब वो उसे रोकती नहीं है क्योंकि बाइट करने में भी उसे भी प्लेजर मिल रहा था, और उसकी हाथ पूरी बेडशीट पे रहती है, दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह वो किस कर रही रहती है। फिर वो फटाफट इतनी जल्दी से मतलब रिमूव करने वाली रहती है ड्रेस, तभी रश्मि बोलती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इतना इतना वाइल्ड क्यों हो रही हो यार, तुमने मुझे कितना ज़्यादा बाइट कर दिया है, देखो अगर मैं ऐसे बाहर जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो रश्मि जिया कहती है तो लोगों का सोचना इम्पोर्टेंट है या मेरा इम्पोर्टेंट है, आई मीन तुम्हें लोगों की सोचनी है तो सोचते बैठो, फिर रहने दो मैं जाती हूँ। तो वो उठ के जाने ही वाली रहती है, तभी जो रश्मि है वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है बेबी, तो कहती क्या लोगों का सोच लो ना, मेरा क्या है, मतलब मेरी फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो कहती अरे मैंने कब बोला, तो कहती है यू आर माई गिफ्ट राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू अनरैप यू इन अ माई वे, सो अब मैं जो करना चाहूँ मैं करूँगी ना, और फिर वो उसे धक्का दे देती है, फिर उसके नेवल पे किस करने लगती है, कपड़े उसने पहने रहते हैं मैं उस पर वो नेवल पे किस करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसका जो ड्रेस है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है और फिर वाइडली तरीके से उसके साथ किस कर रही रहती है, नेवल पे भी वो उसे बाइट करती है। इस बार जिया का प्यार करने का तरीका ही अलग था, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी और वो जहाँ जहाँ उसे किसेस कर रही थी वहाँ वहाँ वो लव बाइट्स दे ही जा रही थी। बहुत पैशनेट वेट था उसका प्यार करने का तरीका, नेवल टू चेस्ट, चेस्ट टू अपर, अपर से लोअर, लोअर से पूरी बॉडी, ऐसा एक बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं था कि जहाँ पर रश्मि ने उसे सॉरी जिया ने उसे प्यार ना किया हो और बाइट ना किया हो।
पूरी बॉडी उसकी रेडिश हो जाती है, फिर भी जिया को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा रहता है, पर वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती है। थोड़े टाइम के बाद जो रश्मि है वो रोकती है, उसे बोलती है नाउ इट्स माय टर्न, और फिर जो रश्मि के जिया के ऊपर रश्मि चढ़ती है, और फिर रश्मि भी उसे उतने ही वाइल्ड तरीके से प्यार करती है। तो जैसे ही वो उसे उसके वाइल्ड तरीके से प्यार करके एकदम से वाइल्ड करती है, तभी जिया बोलती है बेबी हर्ट हो रहा है ना, ऐसे वाइल्ड ऐसे कैसे कर रही हो तुम, मुझे ऐसे बाइट क्यों कर रही हो। तभी रश्मि कहती है अच्छा हर्ट हो रहा है, और ये जो तुमने मेरे साथ किया है तब तुम्हें नहीं दिखा कि हर्ट हो रहा है, हाँ हाँ मतलब तुम जो करो वो सही। तो कहती तुम तो मेरा गिफ्ट हो ना, तो कहती अच्छा मतलब मैं गिफ्ट हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, अभी तुम मेरी गिफ्ट हो और चुपचाप अब जो मुझे करना है वो करने दो। ऐसे करके वो क्या करती है, उसके जो खुद का दुपट्टा होता है उससे वो जिया के हाथ को टाई कर देती है, और उसको बहुत टाइटली बांध कर रख देती है, और फिर वो उसे वाइल्ड तरीके से किस कर रही रहती है, वो भी उसे उतनी वाइट कर रही रहती है, और बहुत प्यार से रोमांटिक वे में हुआ रहता है। करीब इन लोगों का रोमांस चलता है आधे से एक घंटा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पागल हो चुके रहते हैं, हैवीली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, बहुत प्यार से इधर उधर, मतलब उनका किसेस बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लग रहा रहता है उन्हें ये मोमेंट जीते हुए। और जब एक दूसरे के साथ पूरा इंटीमेट होने के बाद, रोमांस ख़त्म होने के बाद, जब दोनों एक दूसरे को हक करे रहते और हक करके बस 5 से 10 मिनट ऐसे शांति से बैठे रहते, तभी जिया कहती है रश्मि, तो रश्मि बोलती है हाँ बोलो, तो कहती है बर्थडे सरप्राइज़ आपने खुद प्लान किया था या किसी की मदद ली थी। तो रश्मि कहती नहीं मैंने किसी की मदद नहीं ली है, मैंने ही किया, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या। कहती बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी रोमांटिक हो, कॉलेज टाइम पे तो कितनी बोरिंग थी आप। तो कहती बेबी कॉलेज टाइम पे मेरी लाइफ में कोई था ही नहीं जिसके लिए हम रोमांटिक हो, आपके बॉयफ्रेंड्स थे हमारे नहीं थे। वो भी है, जिया कहती है, तो कहती है पर ये मेरा ड्रीम था, मैं कॉलेज टाइम से ही ये अपने लव के लिए करना चाहती थी, आई मीन ये सारा प्लान मेरे उस समय से उस दिमाग उस टाइम से था, तो अभी मैंने किया आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपने प्यार के लिए आप पहले से इतना सब कुछ सोच के बैठी थी, जिया कहती है। तभी रश्मि कहती है हाँ सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ विशेस होती है अपने पार्टनर के लिए करने की, तो मेरी भी थी, और आज मौका मिला तो क्यों ना करूँ। तो जिया कहती है हाँ ज़रूरी। ऐसे इन लोगों के क्यूट टॉक्स हुए रहते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, अभी तो रिद्धिका और कायरा का भी बचा हुआ है, आई मीन मैच, क्योंकि उसे सिलेक्शन में होना है अजंता टीम में, तो देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।